राजनीतिक में जब तक आप अपनी जात नहीं बताओगे आपको कोई भी वोट नहीं देगा। जब ब्राह्मण की बेटी जवान होती है तो अपने सगे समझियों के पास जाता है, अपने परिवार के रिश्तेदारों के पास जाता है और कहता है कि भैया मेरी बेटी जवान हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का बताओ समाज में। जब बेटी की शादी करता है तो समाज में अपना वर ढूंढता है, और जब वोट मांगने जाता तो कभी ये नहीं कहता कि भैया मैं ब्राह्मण हूँ मुझे बेट वोट दे दो। उनकी संख्या 3.5% इस देश में है। अगर वो अपने जाति के नाम पर वोट मांगे ना तो ML MP बनना का प्रधान भी बनना दूर, तो गांव के प्रधान भी नहीं बन सकते। मैं पूछता हूँ अपने समाज की माँ बहन बेटियाँ बहुत सारी हैं, जब उनको जाते हैं तो आरती करके ऐसे भेजती हैं कि जैसे बॉर्डर पर जो है वो बंदूक चलाने के जा रहा है, देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है। वहाँ से आने के बाद मैं पूछना चाहता हूँ किसका बेटा IAS बनगा, किसका PCS बनगा, किसका जज बनगा, किसका कलेक्टर बन गया, और एक चपरासी भी नहीं बन पाता। जो अपने खून पसीना मेहनत की कमाई को उन ब्राह्मणों के चरणों में चढ़ा देते हो जाकर के। 85,000 करोड़ रुपया हमारा ब्राह्मणों के चरणों में जाता है, मंदिरों में चढ़ाते हैं जाकर के, और हमारे खून पसीने और मेहनत के पैसा पे ब्राह्मण मौज करता है, मजे उड़ाता है। सबसे पहले मैं जो हमारे संगठन के ऑर्गेनाइजर हैं जिस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया है, अज्ञानी जी, मैं आपसे दो ढाई साल पहले की बातें मुझे याद आ रही हैं। आज लोकसभा के चुनाव हुए थे तो लोकसभा के चुनाव में एक एडवोकेट हैं तो वो मेरे पास में गए, डॉक्टर जीजिया, डॉक्टर भी हैं वो और एडवोकेट भी हैं, कि मुझसे बोले कि जैना जी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो मैंने बोला भैया किस पार्टी से लड़ रहे हो आप, तो उन्होंने बताया दिल्ली डेमोक्रेटिक पार्टी। तो मैंने कहा ये पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हो तो ये पार्टी कब बनी है, तो सर ये अभी नई पार्टी बनी है। मैंने कहा नई पार्टी बनी है और सीधे सीधे एकदम आकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़ा रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर उनके डॉक्टर साहब के द्वारा मैं अज्ञान जी से मेरी मुलाकात हुई, हम लोग मिले आकर के, बहुत अच्छा लगा। साथियों अभी बहुत सारे वक्ताओं ने जो बहुत सारी अपनी बातें रखी हैं, कल मैंने आकर के जब जंतर मंतर पर प्रोग्राम इनका हुआ तो जब हम पहुंचे तो हमने देखा वहां पर आकर के कि महिलाओं की संख्या हमें बहुत ज़्यादा वहां पर दिखाई दी, लगभग पुरुषों के बराबर महिलाओं की संख्या थी। महिलाओं की संख्या देख करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब तक हमारी माताएँ हमारी बहनें हमारी बेटियाँ हमारी बहुएँ जब तक घरों से बाहर नहीं निकलेंगी, सामाजिक कार्यों में धार्मिक कार्यों में राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेंगी तब तक उनको मानव अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। हमने अपनी माताओं और बहनों को बाहर निकालना होगा। अभी प्रस्तावना की बात आ रही है कि जितने भी जीत करके आते हैं MP MLA निगम पार्षद तो चलो छोटे चुनाव हो गए, वहां पर जाकर के संविधान को हाथ में लेकर कसम खाते हैं कि हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। इतनी सरकारें बनी है, बताइए संविधान के अनुसार किसने काम किया है? ये कसम खाते हैं हम संविधान के अनुसार देश को चलाएंगे। संविधान के अनुसार देश चल रहा है? संविधान के अनुसार देश नहीं चल रहा, ये संविधान को अपने अनुसार चला रहे हैं। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जितने भी विधायक वर्ग जीत के जाते हैं किसी को भी बुला के उनमें सारों को बुला लो, अगर पहला पृष्ठ प्रस्तावना को पढ़कर बिना पढ़े सुना दे, कोई नहीं पढ़ता संविधान के प्रस्तावना को भी, जबकि सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट हो, सब कुछ सार उसमें सब समाया हुआ है। अभी धर्म की बात आती है, 40 साल की बात कर रहे थे, सारे वेद सास उपनिषद रामायण से लेकर महाभारत और महाभारत से लेकर के देश की संविधान तक की रचना दलित और पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने की है। और भारत का ही संविधान नहीं, हमने तो संविधान पाकिस्तान का भी निकाला है। राजेंद्र प्रसाद मंडल रामनाथ मंडल जी, और नेपाल का भी नया संविधान दलित महिला कृष्णा, हाँ उन्होंने लिख रही है। साथियों एजुकेशन की बात आती है, अमेरिका में जब बच्चा सुबह सोकर के उठता है, अमेरिका और जापान में, तो बच्चा सुबह उठकर कहता है मम्मी मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, पप
हम एरोप्लेन उड़ाएंगे, हम हवाई जहाज उड़ाएंगे। जो भारत में गरीब सूर्य जैना की झोपड़ी में जो बच्चा सुबह सो करके उठता है वो क्या कहता है? वो कहता है बापू, हे बापू देना एक रुपया, बहुत भूख लगा है, पाव रोटी लाऊंगा। जिस बच्चे को पेट भरने के रोटी ना मिले वहां शिक्षा की बात करना बेईमानी है। हमने एक दिन अखबार में पढ़ा, बहुत दुख हुआ पढ़ करके, कि गरीब बेवस लाचार दलित महिला ने अपने बीमार पति के इलाज के लिए अपनी 5 साल की अबोध बालिका हेमा को 5,000 रुपए में बेच दिया। बड़ी दुख की बात है। मंजूलता साहू नाम की एक महिला ने, गरीब महिला ने अपनी पेट की धधकती आग के घुटने टेकते हुए 7 दिन के दूध मुहे बच्चों को 230 रुपए एक बोरी चावल में बेच दिया। जहां गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेकारी, भुखमरी बच्चा तक बिकवा दे, फिर किसको शिक्षा देने की बात करते हैं आप? अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले उन्होंने यहाँ की शिक्षा पद्धति पर कब्जा किया और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू करके सैकड़ों वर्ष तक इस देश पर अपना अधिकार जमा के रखा। अंग्रेजों की साजिश को, इस चालाकी को जब मदन मोहन मालवीय जी ने पहचाना तो उन्होंने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और पूरा जीवन केवल शिक्षा के लिए संघर्ष किया। सर सैयद अहमद खान जी ने मुसलमानों में शिक्षा के विकास के लिए अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की और पूरा जीवन केवल शिक्षा के लिए समर्पित किया। क्यों नहीं पैदा होते मदन मालवीय जैसे लोग? क्यों नहीं पैदा होते सर सैयद अहमद खान जैसे लोग? कोई राम की बात करता तो कृष्ण की बात करता है। भगवान कृष्ण एक बार अपने सखाओं के साथ बैठे हुए थे, अचानक वो बातचीत कर रहे थे ऐसे आपस में, अचानक वो बोले अपने शिष्यों से बोले कि मैं चुनाव लड़ूंगा, राजनीति में जाऊंगा, नहीं मैं राजनीति में जाऊंगा। तो सारे शिष्य हैरान हो गए कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, आप राजनीति में जाने की बात कर रहे हो? हाँ मैं राजनीति में जाऊंगा। तो राजनीति में जाके करोगे क्या आप? नो करूंगा क्या, मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि सर चुनाव तो आप लड़ोगे पर ये तो बता दो कि आपको वोट देगा कौन? तो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कैसी बात कर रहे हो, मुझे वोट देने के बाद, मैं तो भगवान हूँ, सब मेरी पूजा करते हैं, सारे मेरे सामने नतमस्तक करते हैं, करोड़ों जनता नतमस्तक करती है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु राजनीतिक में जब तक आप अपनी जात नहीं बताओगे आपको कोई भी वोट नहीं देगा। जब ब्राह्मण की बेटी जवान होती है तो अपने सगे समझियों के पास जाता है, अपने परिवार के रिश्तेदारों के पास में जाता है और कहता है कि भैया मेरी बेटी जवान हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का बताओ समाज में। जब बेटी की शादी करता है तो समाज में अपने वर वर ढूंढता है और जब वोट मांगने जाता तो कभी ये नहीं कहता कि भैया मैं ब्राह्मण हूँ मुझे वोट वोट दे दो। उनकी संख्या ही 3.5% इस देश में है। अगर वो अपने जाति के नाम पर वोट मांगे ना तो MLA MP बनना का प्रधान भी बनना दूर, वो गाँव के प्रधान भी नहीं बन सकते। अज्ञानी जी बहुत सारे लीडरशिप काम कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी की बात आई थी, बेटी कह रही थी प्रधानमंत्री जी के बारे में, एक केस आया था सर कहाँ गया, मध्य प्रदेश का, 2 मजदूरों ने अपनी मजदूरी मांगी तो उनका हाथ पैर काट दिए, सुर्खियों में आया था। तो देश के प्रधानमंत्री जिनको कहते हैं मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं है, विश्व में नहीं है, उनका बयान क्या छपा था अखबार में कि दलितों को गोली मत मारो, दलितों के हाथ पैर मत काटो, मुझे गोली मार दो, इससे बड़ा बेबस प्रधानमंत्री, इससे काय प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं होगा। अरे बनाओ छोड़ दो, तुम कुर्सी को मार दो लात, बैठा दो मैं कुर्सी में 24 घंटे में संविधान अनुसार हम फांसी पे लटकाने काम कर देंगे। आप जो 2016 का आप नेटवर्क में देखना खोल करके, जो कांवर लेने जाते हैं ना, कांवर लेने हर साल जाते हैं, उनमें 80% लोग, 90% लोग हमारे होते हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। जाएंगे ओ पैर कर्ज पे पैसा लेकर के जाते हैं भाई साहब, कर्ज पर जाते हैं, पैर सूज जाते हैं, उधर से पैदल आते हैं, जहां इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है वहां इनको जल भी चढ़ाने दिया जाता, खून पसीने मेहनत की कमाई का हर साल, उस साल की बात बता रहा हूं, 37,000 करोड़ रुपया ब्राह्मणों के चरणों में रख करके आ गए ये। वहां से आने के बाद मैं पूछता हूँ अपने समाज की माँ बहन बेटियां बहुत सारी हैं, जब उनको जाते हैं थोड़ा आरती करके ऐसे भेजती हैं कि जैसे बॉर्डर पे जो है वो बंदूक चलाने के जा रहा है, देश की रक्षा करने के लिए जा रहा है, वहां से आने के बाद
मैं पूछना चाहता हूं किसका बेटा आईएएस बनगा, किसका पीएससी पीसीएस बनगा, किसका जज बनगा, किसका कलेक्टर बन गया और एक चपरासी भी नहीं बन पाता। क्यों अपने खून पसीना मेहनत की कमाई को उन ब्राह्मणों के चरणों में चढ़ा देते हो जाकर के? 85,000 करोड़ रुपया हमारा ब्राह्मणों के चरणों में जाता है, मंदिरों में चढ़ाते हैं जाकर के, और हमारे खून पसीने और मेहनत के पैसा पे ब्राह्मण मौज करता है, मजे उड़ाता है। अगर हमारे लोग मंदिर में जाना बंद कर दें, आरएसएस के आधी से ज्यादा शाखाएं बंद हो जाएंगी और इनके मंदिर में ताला लग जाएगा और वही ब्राह्मण तुम्हारे घर पे आकर के भीख मांगने आ जाएगा। हमारे मेहनत की पैसा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था जिस देश के अंदर में हजारों लाखों बच्चे दूध के बिना दम तोड़ देते हैं, उस देश के अंदर में लाखों हजारों लीटर दूध गंदी नाली शिवालयों में चढ़ा के गंदी नालियों में बाहर दिया जाता है। ऐसे मंदिरों को ध्वस्त कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिसको आरएसएस और बीजेपी अपना आदर्श मानते हैं। ओशो रजनीश ने कहा था कि जिस दिन इस देश के दलितों ने शोषित ने उपेक्षित ने जो यहाँ के 85% जो माइनोरिटीज के लोग हैं सारे सब मिला करके जिस दिन इन्होंने अपना इतिहास पढ़ लिया उस दिन इस देश से इनको ब्राह्मणों को भागना पड़ेगा।